गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय सेल्फ संजय राय भट्ट, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। एंड नाउ लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज द क्रोज नेस्ट, चैप्टर नंबर 12, क्लास 2 इंग्लिश। सो नाउ लेट्स वी डिस्कस व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर द क्रोज नेस्ट एंड व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। सो दिस इज द चैप्टर द क्रोज नेस्ट, यानी कौवे का घोंसला, कौवे का घोंसला। तो इसी के बारे में अभी हम लोग जानेंगे क्या है इसकी कहानी। तो देखो यहाँ पर कौवा क्या कर रहा है, कौवा बोट चला रही है, चला रहा है कौवा बोट चला रहा है। नाउ लेट्स सी द स्टोरी एंड लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट्स विथ कालू, कालू से यहाँ पर कहानी शुरू होती है। तो आओ देखो यहाँ पर क्या है कालू की कहानी, बहुत ही मजेदार कहानी है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कालू द क्रो, यानी क्रो का नाम क्या है, कालू है। तो कालू द क्रो लिव्स इन अ नेस्ट, कालू जो है क्रो एक नेस्ट में रहता है, एक घोंसला में रहता है। इट इज ग्राउनिंग हॉट, अब देखो अभी गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है, ग्राउनिंग हॉट। सो ही गोज फॉर अ हॉलीडे टू अनदर ट्री, चूंकि गर्मी बहुत अधिक बढ़ रही है और इसी कारण ये जो कौआ है, ये जो कालू है, कहाँ जाता है हॉलीडे मनाने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए दूसरे पेड़ों पर जाता है, दूसरे पेड़ पर चला जाता है। अब यहाँ देखो क्या होता है, अ रिवर फ्लोज नियर द ट्री, और उस पेड़ के बगल से एक नदी बह रही है। देखो ये नदी है, रिवर बह रही है। कालू रोज बोट इन द रिवर, कालू क्या कर रहा है, कालू एक इस रिवर में देखो नदी पर क्या चल रहा है, नदी में क्या चल रहा है, चला रहा है वो एक बोट चला रहा है। ही लाइक्स टू वर्क इन द गार्डन, अब कालू को क्या पसंद है, क्या बताया जा रहा है कि कालू को गार्डन में काम करना, बगीचे में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। क्या करता है कालू, ही शोज सीड इन द गार्डन, वह गार्डन में बीज को बोता है। एंड ही माउज द ग्रास, और वह घास को क्या करता है, ट्रिम करता है, काटता है। माउज मीन्स, मैं वर्ड मीनिंग भी बताते जा रहा हूं, माउज मीन्स होता है घास की कटाई करना, घास को काटना। तो वह घास भी काटता है गार्डन में, सफाई करता है गार्डन में, और गार्डन की देखभाल भी करता है, और उसे अच्छा लगता है ये सब काम करना। आपको भी अच्छा लगना चाहिए गार्डन की देखभाल करनी। नाउ सी द नेक्स्ट वन, ही हैज अ गुड टाइम फॉर 5 days, तो ये 5 दिनों तक बहुत ही अच्छा समय पास करता है, व्यतीत करता है, बिताता है ये कालू, और इसके बाद से वह अपने घोंसले में आता है, वापस आता है। ही गोज बैक टू हिज नेस्ट, और फिर वह अपने घोंसले पर क्या होता है, वापस आता है। बट देयर इज अ ग्रीन पैरोट विथ अ रेड बॉ इन हिज नेस्ट, लेकिन जब वह वापस आता है तो क्या देखता है, वहां पर कौवे का जो घोंसला है, नेस्ट है, वहां पर एक पैरोट, ग्रीन कलर का पैरोट, जिसकी गर्दन पर क्या लगी हुई है, बॉ लगी हुई है रेड कलर की, और वह वहां पर बैठा हुआ है। देखो इसे बॉ कहते हैं, गर्दन पर लगी हुई है नेक पर, तो ये ग्रीन कलर का है पैरोट, और इसके नेस्ट पर क्या लगा हुआ है, नेक पर बॉ लगा हुआ है। तो वह ऐसा पैरोट इसके घोंसले पर, इसके नेस्ट पर, किसके नेस्ट पर, कौवे के नेस्ट पर, कालू के नेस्ट पर बैठा हुआ है। ये क्या हो गया भाई, तो क्या होगा अब देखो नेक्स्ट, सीधा नेक्स्ट, दिस इज माई नेस्ट, तो इस कालू ने कहा अरे ये मेरा घोंसला है। बट नाउ आई लिव इन दिस नेस्ट, तो इस पैरोट ने क्या कहा, अब ठीक है तुम्हारा घोंसला है, लेकिन अब मैं इस घोंसले पे रहता हूं। किसने कहा, पैरोट ने कहा। नाउ टर्न द पेज, सी हियर, द क्रो गिव्स अ ब्लो टू द पैरोट, जब बहस होने लगी तो कौवे ने क्या किया, कालू ने क्या किया, लगाया 2-4 मुक्के लगाए, फाइटिंग लगाई, तो ब्लो हो गए। और द क्रो गिव्स अ ब्लो टू द पैरोट, पैरोट को धक्का मुक्की किया, और इसके बाद क्या हुआ, तो पैरोट ने भी किया, जैसे आपस में कोई लड़ते हैं ना, तो उस तरह से लड़ने लगे। द पैरोट ऑल्सो गिव्स अ ब्लो टू द क्रो, तो पैरोट ने भी क्या किया, कौवे को यानी कालू को ब्लो किया। देखो ये लोग दोनों फाइटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो क्या होता है, देयर इज अ बिग फाइट, बड़ा जबरदस्त लड़ाई होती है दोनों के बीच में। ऑल द एनिमल्स कम टू सी द फाइट, और इसकी लड़ाई, इन दोनों की लड़ाई को देखने के लिए सारे एनिमल्स वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। उसी समय क्या होता है, एक देखो फॉक्स है, फॉक्स बहुत ही कनिंग होता है, मालूम है, धूर्त होते हैं। द फॉक्स सेज गो टू द किंग, तो फॉक्स ने कहा ऐसा करो तुम लोग राजा के पास चले जाओ। ही इज सिटिंग अंडर द बिग रॉक, और वह एक बड़े से चट्टान के पास बैठा हुआ है। ही नोज वॉट टू डू, और वह जानता है क्या करना है, उसे क्या करनी है। नाउ तो फिर क्या होगा, अब ये दोनों
जाते हैं वहां पर, द टू बर्ड्स गो टू द बिग रॉक, तो बड़ा सा जो चट्टान है ये दोनों वहां पर जाते हैं दोनों बर्ड्स। द आईज ऑफ द कनिंग फॉक्स ग्लो, जब वो लोग जाने लगते हैं तो इस ये जो लोमड़ी है जो फॉक्स है इसकी आंखें चमक उड़ती है, क्यों? लालच से। ही थिंक्स, वह सोचता है आई विल ईट देम, वह क्या सोचता है फॉक्स कि चलो इन दोनों को मैं खा जाऊंगा। बट आई मस्ट गो स्लो और दे विल फ्लाई अवे, बोला चलो अभी हम मुझे सावधानी रखनी होगी, मुझे धीरे धीरे जाना होगा, नहीं तो ये दोनों क्या होंगे उड़ जाएंगे, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अब नेक्स्ट देखो क्या होता है, व्हेन द बर्ड्स रीच द रॉक दे हियर अ वॉइस सेइंग कम हियर एंड टेल मी योर स्टोरी, तो जब ये जो दोनों बर्ड्स है रॉक के नजदीक चले जाते हैं तो वहां एक वॉइस आवाज आती है, वॉइस आती है क्या आती है, कम हियर एंड टेल मी योर स्टोरी, यहां आओ और अपनी कहानी को बताओ। सिंस इट इज वेरी डार्क अंडर द रॉक द बर्ड्स आर नॉट एबल टू सी द किंग, चूंकि ये जो रॉक के नीचे जो है बहुत ही क्या था, अंधेरा था, बहुत ही घना अंधेरा था, और इस कारण से दोनों बर्ड्स उसके अंदर में क्या है वो देख नहीं पा रहे थे। बर्ड्स आर नॉट एबल टू सी द किंग, राजा भी कहां पर है, राजा भी नहीं दिख रहा था इन दोनों बर्ड्स को। तो फिर आगे क्या होता है, और आगे वो जाता है कौन, ये दोनों बर्ड्स और आगे जाते हैं। एज सून एज द बर्ड्स गो नियर द फॉक्स जंप्स ऑन देम, जैसे ही ये दोनों बर्ड्स नजदीक जाते हैं उस रॉक के नजदीक जाते हैं, फॉक्स जंप मारता है, उछलता है वहां से, और उछल कर क्या करता है दोनों को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद क्या करता है, ही किल्स एंड ईट्स देम, और वह दोनों को मार देता है और मारकर अपना पार्टी मनाता है, दोनों खा जाता है, दोनों को खा जाता है। तो डियर चिल्ड्रेन, इस कहानी से आपने क्या सीखा, अच्छी लगी कहानी? इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमें आपस में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए, और क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब दो आपस में लड़ते हैं उसका फायदा हमेशा तीसरा व्यक्ति या तीसरे लोग उठाते हैं, तो इसीलिए हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यदि लड़ाई हो भी जाए तो उसका समस्या का समाधान, उस प्रॉब्लम को खुद से ही सॉर्ट आउट करनी चाहिए, आपस में मिलजुल कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। दिस इज द मॉरल नॉलेज ऑफ दिस स्टोरी। ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।